रैयत विस्थापित मोर्चा ने पिपरवार प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। पिपरवार के कल्याणपुर में पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ी डीएवी स्कूल को चालू कराने की मांग को लेकर रैयत विस्थापित मोर्चा द्वारा सीसीएल पिपरवार जीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन ने बताया कि केंद्रीय कोयला मंत्री द्वारा कल्याणपुर में डीएवी स्कूल को चालू किया गया था, लेकिन उसके बाद से स्कूल बंद है। उन्होंने विस्थापित प्रभावित रैयतों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए डीएवी स्कूल को चालू कराने की मांग की है। वहीं जीएम सीबी सहाय ने सकारात्मक आश्वासन दिया। मौके पर मोर्चा के केंद्रीय सचिव रामचंद्र उराव, मोहम्मद असलम, सुरेश महतो, इद्रिस अंसारी, कुलदीप राम, फयाज आलम सहित कई लोग उपस्थित थे। माननीय कोयला मंत्री द्वारा उद्घाटित डीएवी भवन में शीघ्र डीएवी स्कूल चालू करने को लेकर के आज रैयत विस्थापित मोर्चा का एक डेलीगेशन महाप्रबंधक पिपरवार क्षेत्र से अभी हम लोग मुलाकात किए और उन्हें ज्ञापन सौंपे। उनसे अनुरोध किए हैं कि विगत 7 वर्षों से डीएवी भवन खड़ा है, जिसका उद्घाटन कोयला मंत्री जी ने किए थे। सीसीएल यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के प्रभावितों को, यहाँ के मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने हेतु डीएवी का निर्माण कराए थे बिल्डिंग का, लेकिन उसका प्रारंभ नहीं हो पाया है। हम लोग मांग करते हैं माननीय जीएम साहब से कि यथाशीघ्र डीएवी को चालू करें, ताकि जो सीएसआर योजना के तहत जो सीसल का उद्देश्य था, ग्रामीण गरीब असहाय बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिल सके। तो हम लोग मांग करते हैं और यह भी मांग करते हैं कि डीएवी के नाम पर भवन बना था, वहाँ पे डीएवी स्कूल ही चालू हो, ऐसा हम तमाम ग्रामीणों का मांग था। हर स्तर पर डीएवी चालू करने को लेकर के विगत 2 महीनों से सभी प्रक्रिया चल रहा है। हम लोग चाहेंगे कि प्रक्रिया तेज हो और शीघ्र ही डीएवी वहाँ पे प्रारंभ हो।